हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको स्टेयर केस वायरिंग के बारे जानकारी दूंगा। स्टेयर केस वायरिंग जो मेनली करते हैं, उसका जो मेन मोटिव होता है, एक लैंप को दो जगह से ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेयर केस वायरिंग करने के लिए हम लोग जो टू वे स्विच यूज़ करते हैं, टू वे स्विच ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दो टू वे स्विच यूज़ करते हैं, एक लैंप और एक लैंप होल्डर यूज़ करते हैं और कुछ वायर यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको जो टू वे स्विच है उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो टू वे स्विच है, जो टू वे स्विच होता है उसके जो थ्री नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसको जो कॉमन पॉइंट बोलते हैं, अपर वाले को इस वीडियो में मैंने L1 बोला हुआ है, और जो लोअर वाला टर्मिनल है इसको जो L2 बोला हुआ है। ये देखिए इसकी जो बैक साइड है उसके बारे में उसको भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए थ्री नंबर ऑफ टर्मिनल है, ये कॉमन है, ये अपर जो L1 है, जो लोअर है जो L2 है। तो स्टेयर केस वायरिंग को हम लोग जो है कई टाइप से कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको थ्री नंबर ऑफ मेथड के बारे बताऊंगा। सबसे पहले जो इजी एंड सिंपल मेथड है उसके बारे बताता हूं। स्टेयर केस वायरिंग करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, ये सबसे सिंपल और ईजी मेथड है। इस मेथड की हेल्प से हम लोग जो टू वे स्विच की जो वायरिंग कर सकते हैं स्टेयर केस वायरिंग के लिए। ये देखिए ये टू वे स्विच नंबर 1 है जिसको कि मैंने S1 लिखा हुआ है, ये टू वे स्विच सेकंड है जिसको कि S2 लिखा हुआ है। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, जो C जो है इसके जो कॉमन पॉइंट है, जो सेंटर वाला, इधर भी इसका जो सेंटर कॉमन दिखाया हुआ है जो लिखा हुआ है, इधर भी जो सेकंड स्विच का जो कॉमन पॉइंट है, ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको L1 है, जो सेकंड स्विच का ऊपर वाला ये भी L1 है, जो लोअर टर्मिनल है जो फर्स्ट स्विच का इसको भी L2 बोलते हैं, सेकंड वाले को भी L2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फेज वायर है उसको जो फर्स्ट स्विच है, स्विच नंबर 1 के जो कॉमन के ऊपर हम लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग जो है स्विच नंबर 1 का जो अपर टर्मिनल है L1 है, वहाँ से एक वायर लेके जो सेकंड स्विच का जो L1 है उसके ऊपर जो कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग जो स्विच 1 का जो L2 है, जो लोअर टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर लेके जो स्विच नंबर 2 है उसका जो L2 है उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग जो स्विच नंबर 2 का जो कॉमन है, वहाँ से एक वायर लेके और लैंप होल्डर के एक साइड जो है टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, और जो सेकंड टर्मिनल है लैंप होल्डर का उसके ऊपर हम लोग जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है टू वे स्विच यूज़ करके हम लोग जो सबसे सिंपल और ईजी वे से स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड, अभी मैं सेकंड मेथड के बारे में बताता हूँ आपको। ये सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2 है। इसकी हेल्प से हम लोग जो टू वे स्विच यूज़ करके स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए स्विच नंबर 1 है, ये टू वे, ये स्विच नंबर सेकंड है, ये भी 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जो है फेज वायर जो है स्विच नंबर 1 के जो कॉमन टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो स्विच नंबर 1 का जो अपर टर्मिनल है L1 है, उसको हम लोग जो है सेकंड स्विच के जो लोअर टर्मिनल है L2 के साथ जो कनेक्ट कर देंगे वायर के साथ। फिर हम लोग जो है स्विच नंबर 1 का जो लोअर टर्मिनल है L2, वहाँ से एक वायर लेके जो सेकंड स्विच के अपर टर्मिनल है L1 के ऊपर जो है कनेक्ट कर देंगे। ऐसे क्रॉस जो वायर कनेक्ट कर देंगे हम लोग जो है, और जो सेकंड स्विच है उसका जो कॉमन पॉइंट है, वहाँ से एक वायर लेके लैंप के जो होल्डर के एक नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, और फिर लैंप होल्डर के जो सेकंड टर्मिनल है उसके ऊपर ऐसे ही हम लोग जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार जो सेकंड मेथड है इसको यूज़ करके आप लोग जो है स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। अभी मैं थर्ड मेथड के बारे में बताता हूँ। ये मेथड नंबर 3 है, इसको भी यूज़ करके आप लोग जो है स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए स्विच नंबर 1 है और ये स्विच नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फेज जो वायर लेके हम लोग जो है स्विच नंबर 1 का जो लोअर टर्मिनल है L2 के ऊपर कनेक्ट करते हैं। वहीं से एक वायर लेके हम लोग जो है L2 जो सेकंड स्विच का उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रल वायर है इसको लेके हम लोग जो है L1 जो अपर टर्मिनल है स्विच का, स्विच 1 का, उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। वहीं से एक वायर जो लूप करके हम लोग जो L1 सेकंड स्विच का उसके ऊपर जो है कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्विच 1 का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से एक वायर लेके जो लैंप होल्डर के एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, और सेकंड स्विच के जो कॉमन से एक वायर लेके वो लैंप होल्डर के सेकंड टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार मेथड नंबर 3 को भी यूज़ करके आप लोग जो स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। मैं अभी प्रैक्टिकली वायरिंग करके बताऊँगा जो
सबसे इजी और सिंपल मेथड है उसको यूज़ करके। ये मेथड नंबर वन है, जैसे कि पहले में मैं आपको दिखाया, ये सिंपल और सबसे इजी मेथड है, इसको यूज़ करके आप लोग जो है स्टेयर केस वायरिंग कर सकते हैं। इसमें टू नंबर ऑफ स्विचेस यूज़ किए, जैसे कि पहले ही बताया। ये इसका जो सर्किट डायग्राम है, अभी इसका जो पिक्चरल व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो पिक्चरल व्यू है, इसमें टू नंबर ऑफ टू वे स्विचेस यूज़ किए हुए। ये स्विच नंबर वन है, ये स्विच नंबर टू है, ये लैंप होल्डर है। ये स्विच नंबर वन का जो कॉमन टर्मिनल है, इसके ऊपर हमने जो फेज वायर कनेक्ट करेंगे, और फिर एल वन जो फर्स्ट स्विच का और सेकंड स्विच का एल वन है, उनके बीच एक वायर जो है ऐसे कनेक्ट करेंगे। फिर हम लोग जो एल टू फर्स्ट स्विच का और एल टू सेकंड स्विच के बीच में एक वायर जो है कनेक्ट करेंगे एज इट इज, जैसे दिखाया हुआ। और जो न्यूट्रल होगी उसको एक डायरेक्ट लैंप होल्डर के एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे, और जो कॉमन होगा सेकंड स्विच का, वहाँ से एक वायर लेके लैंप होल्डर के सेकंड टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार हम लोग जो वायरिंग करेंगे। अब ये देखिए, मैंने टू वे टू नंबर ऑफ स्विचेज यूज़ करके जो स्टेयर केस वायरिंग कर ली है। ये जो फर्स्ट स्विच है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्विच नंबर वन, स्विच नंबर वन के जो कॉमन टर्मिनल सेंटर वाला जी, इसके ऊपर हमने जो फेज़ वायर कनेक्ट की है, ये देखिए रेड कलर हमारे पास जो फेज़ वायर है, जो कॉमन पॉइंट के ऊपर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट की हुई है। और जो एल वन है इसका, उसको सेकंड स्विच की एल वन के साथ हमने एक वायर कनेक्ट किया हुआ। ये देखिए, जो ऊपर टर्मिनल स्विच नंबर वन का जिसको एक एल वन है, वहाँ से एक ब्लू वायर लिया, और जो सेकंड स्विच का जो ऊपर टर्मिनल है एल वन, उसके साथ जो कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये लोअर टर्मिनल, जैसे कि आप ड्राइंग में भी देख रहे हैं, ये एल टू है स्विच नंबर वन का जो लोअर टर्मिनल, ये स्विच नंबर टू का जो लोअर टर्मिनल, ये एल टू है, इनके बीच एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये लोअर टर्मिनल है स्विच वन का जो एल टू, इससे एक वायर ग्रे कलर लिया, और जो सेकंड स्विच है उसके जो लोअर टर्मिनल एल टू के ऊपर हमने जो कनेक्ट कर दिया है। और फिर जो सेकंड स्विच का जो कॉमन टर्मिनल, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकंड स्विच का जो कॉमन टर्मिनल, उसको जो लैंप होल्डर के एक साइड कनेक्ट कर दिए। ये देखिए, लैंप की जगह के हम ऊपर ये इंडिकेटर वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया हुआ। ये देखिए, जो कॉमन टर्मिनल सेकंड स्विच का, जहाँ से रेड और वाइट कलर वायर ये इंडिकेटर के एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दिया, और जो इंडिकेटर का सेकंड टर्मिनल, उसके ऊपर जो डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट लैंप होल्डर के एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दिया एज इट इज, जो न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर ये इंडिकेटर के सेकंड टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दिया। अभी हम इसकी जो पावर ऑन करेंगे, अभी हमने पावर ऑन कर दिया, ये देखिए कॉमन टर्मिनल के ऊपर जो फेज़ आ गया। अभी जैसे ही पर्सन स्टेयर से ऊपर जाएगा तो उसको ये लैंप ऑन करना, इसलिए हम लोग जो स्विच नंबर वन से जो लैंप ऑन करेंगे, ये देखिए स्विच नंबर वन से जो इंडिकेटर है वो ऑन कर दिए। जैसे ही पर्सन स्टेयर के ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस लैंप को जो ऑफ कर देगा। तो ये देखिए, सेकंड स्विच से इसको जो ऑफ कर देंगे अभी। ये देखिए, जैसे ही इस पर्सन ने नीचे आना तो स्टेयर से उसको लैंप ऑन करना, तो इसी स्विच से पहले वो ऑन करेगा। ये देखिए, ये ऑन कर दिए। अभी जैसे वो नीचे पहुंच जाएगा स्टेयर के, तो इस लैंप को जो ऑफ करेगा इस सेकंड स्विच से, ठीक है। इस प्रकार स्टेयर केस वायरिंग आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।